हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लियाना स्किन टेम। और कैसे हो आप सब, मैं हूँ लियाना। तो ठीक है, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक स्किन रिलेटेड एक और वीडियो, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्किन की एक प्रॉब्लम, देखो एक तो हो जाती है हम लोगों को सर्दी से कि स्किन ड्राई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो जाएगी स्किन, बहुत ज़्यादा रूखी बेजान बोलते हैं जिसको, वो चीज़ें हो जाती हैं। बट ये एक चीज़ से और होती हैं सर्दियों में, जो आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा, हो सकता है किसी किसी ने किया भी हो। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि हम लोग सर्दी में सोचते हैं ना कि हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और ठंड के बाद पानी इतना ज़्यादा ठंडा है, हम पानी में काम करते हैं तो शरीर पूरा, हमारी जो पूरी बॉडी है वो बहुत अच्छे तरीके से ठंड मान लेती है, और कभी कभी लोगों को ठंड भी लग जाती है, तो उसमें कोल्ड काफ़ी लोगों को हो जाता है। फिर हम लोग मार्केट जाते हैं और साथ में लेकर आते हैं हीटर या ब्लोअर, ठीक है, जो गर्म हवा देते हैं वो वाले। तो ये चीज़ें हम ले तो आते हैं, बट आप लोगों को ये पता है कि कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है। आज इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये इसे यूज़ करना चाहिए। वैसे तो कम से कम करो, हो सके तो ना करो, बट कैसे यूज़ करो कि नुकसान ज़्यादा ना हो। थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का होता है कि नहीं हो तो बहुत बेटर है, मैं आपको बताऊंगी कैसे नहीं होगा नुकसान। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब नहीं करा है तो, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाए। ऐसी अच्छी वीडियोस लाती रहती हूँ जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, मैं बात कर रही हूँ आज ब्लोअर और हीटर की। लेकिन ब्लोअर और हीटर में देखो क्या होता है, हम लोगों को ये सर्दी से राहत तो देता है, बॉडी तो हमारी अच्छी खासी जो सर्दी है नहीं लगेगी, गर्म हो जाएगी, काफ़ी अच्छा फील होता है उसके आगे बैठने से। बट आपको पता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उसके आगे बैठने से, हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखो सर्दी से हो जाती है, ठंड से हम लोगों को क्या हो जाएगा, स्किन बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, रूखी बेजान वो वाली हो जाती है ना। फिर हम लोग उसके लिए बहुत सारे, मैंने आपको रिव्यू जो पहले दिए थे उसके अंदर, हम लोग क्रीम्स लगाते हैं, बॉडी लोशंस लगाते हैं, बॉडी बटर लगाते हैं। बट आपको पता है क्या, सर्दी के अलावा ये चीज़ें हमें हीटर या ब्लोअर से भी परेशानी हो सकती है। फिर हम लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास, और ठीक है इस बार तो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या फिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास भी लोग जा रहे हैं इन्हीं परेशानियों को लेकर, फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि ये हम लोग को प्रॉब्लम हुई किस चीज़ से। हाँ, तो ब्लोअर और हीटर इसमें बहुत ज़्यादा काम कर देते हैं, कई बार दिक्कत हो जाती है बहुत सारे लोगों को। कैसे करते हैं जो प्रॉब्लम, देखो कैसे होती है, जब हम लोग क्या करते हैं कि हीटर हम लोगों ने चलाया और बिल्कुल उसके पास बैठ गए, हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमारी बॉडी बिल्कुल गर्म हो जाएगी, हमें सबसे आगे उसको चला के बैठ जाना है। तो बहुत सारे लोग काफ़ी देर तक उसके आगे बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है डिहाइड्रेट हो जाती है, स्किन के अंदर जो मॉइस्चर है वो चला जाता है, और उसके बाद डिहाइड्रेट होने के बाद वो सारी स्किन को पूरा ड्राई कर देता है। हमें ठंड से तो बचाएगा, बट पूरी स्किन ड्राई हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी, उससे स्किन के ऊपर हो जाती है ड्राइनेस, ठीक है, रूखी बेजान वो वाली चीज़ होती है। अब देखो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये चीज़ें तो हो गई, सबसे पहले तो हम लोगों को इसको ना यूज़ करो तो सबसे बेस्ट है। अगर आप लोग यूज़ करते हो, देखो ब्लोअर तो बिल्कुल भी यूज़ मत करना, मैं आपको कभी भी ये चीज़ का नहीं कहूँगी कि आप ब्लोअर यूज़ करो, जिसे बोलते हैं हवा वाले जो हीटर होते हैं जो हवा देते हैं गर्म, वो तो बिल्कुल भी यूज़ मत करो। दूसरे वाले करते हो जिसके अंदर रॉड होती हैं, तो उसको आप लोग बिल्कुल उसके पास मत बैठो, उसको काफ़ी दूर तक चला दो, दूर उससे काफ़ी दूर बैठो, जहाँ पर भी वो है उससे काफ़ी डिस्टेंस बना के रखो। दूसरी चीज़, जब आप उसको यूज़ करते हो ना, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि पूरे घर को बंद कर दो, जो गेट बंद कर दो और खिड़कियाँ बंद कर दो, मतलब पूरे तरीके से कमरा बंद करके फिर उसमें बैठो, बहुत अच्छा कमरा गर्म हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो हमारे हमारा जो एनवायरमेंट है रूम के अंदर का, ठीक है, रूम हीटर्स होते हैं ना, इससे होता क्या है कि अंदर जितना भी मॉइस्चर है ना वो सारा सोख लेता है, और सोखने के बाद ना डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है बॉडी को, और रूम के अंदर भी जितना ऑक्सीजन है वो सब चला जाएगा, और आप लोगों को दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। इसी चीज़ों से स्टार्ट हो जाती है दिक्कत, जिनको सांस का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है, जिन लोगों को स्किन का प्रॉब्लम है पहले से ही वो लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करें, और जो लोग सोचते हैं ना दमा का प्रॉब्लम हो जाता है, अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, ये लोग तो बहुत ज़्यादा बच के रहें, ये लोग तो यूज़ ही ना करें तो सबसे बेटर है, ठीक है। लेकिन आप अगर 5 मिनट के लिए यूज़ कर सकते हो, मुश्किल से 10 मिनट के लिए आपने चला दिया और फिर उसको बंद कर दिया, तो सबसे बेस्ट है उसको रेगुलर चला के कभी भी मत बैठना, ठीक है। अब उससे थोड़ा दूर होके बैठना है, साथ में आपको क्या करना है, आपको जब हीटर चल रहा है तो टाइम टू टाइम पानी सर्दियों में ज़रूर पीना है, पानी नहीं पीते हम लोग, जिसकी वजह से स्किन जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, रूखी बेजान हो जाएगी, फ्लेकी हो जाएगी, स्किन के ऊपर रेडनेस हो जाएगी, रेड रेड पैचेस हो जाएंगे, ये चीज़ होती है। अब हीटर से ना देखो बॉडी को तो नुकसान है ही, स्किन को, साथ ही साथ ना हम लोगों की आंखों को भी नुकसान है, आईज पे भी बहुत इफेक्ट करती है, आई में इन्फेक्शन हो जाएगा, रेड हो जाती है पूरी की पूरी आईज, लाल हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें उससे भी होती हैं, ये हम लोगों को पता नहीं होता है, हम लोग सोचते हैं कि शायद हम लोगों को ये सब कुछ ना विंटर्स की वजह से हुआ है, इसमें काफ़ी हद तक रोल निभाता है ये हीटर और ब्लोअर। तो ब्लोअर तो मैंने आप लोग को बिल्कुल मना कर दिया, यूज़ करना ही मत। ब्लोअर क्यों मना कर दिया, देखो अभी तो आप लोगों को ब्लोअर बहुत अच्छा लगेगा, मार्केट में इस बार ना बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं ब्लोअर, काफ़ी लोग खरीद रहे हैं, पता ही नहीं है लोगों को कि ब्लोअर जो गर्म हवा वाले जो हीटर होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अभी तो आपको काफ़ी ज़्यादा राहत देंगे, आगे आगे जैसे ही आप लोग का एज बढ़ेगा ना,
तो बोन्स को वीक कर देता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ये वाली दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, तो प्लीज उसको तो बिल्कुल भी यूज मत करो। दूसरी चीज, अगर आप लोग नॉर्मल रॉड वाले जो हीटर है उसको यूज कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं अपने घर में बर्तन में थोड़ा सा पानी भर के रख दो। उससे क्या होता है कि पूरा जो मॉइस्चर, मैंने बताया ना आपको, पूरा सोख लेता है वो नहीं सोखेगा, पानी है, मॉइस्चर बनाए रखेगा रूम के एनवायरमेंट में, तो वो चीजें नहीं होंगी। अब देखो ये चीजें तो हम लोगों ने देख ली, पानी भी पीते रहना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग, के ये मत सोचना कि नहीं पानी नहीं पीना है, उसका ध्यान जरूर रखना, पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुश्किल से 5 से 10 मिनट यूज करना, ज्यादा देर यूज नहीं करना। देखो धूप बहुत अच्छी निकल रही है कुछ दिनों से, तो प्लीज धूप तो जरूर लो। एक वीडियो बनाया था मैंने पहले भी, उसमें बताया था कि सर्दियों में धूप का पूरे तरीके से फायदा उठाना, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बताया था किसको कितना देर धूप लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, उस वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना। तो वो आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ना धूप से कि आपको हीटर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि हीटर को कैसे यूज करना चाहिए, कितना करना है, कितनी देर नहीं करना है, और क्या क्या चीजें आपको साथ में करनी है। तो प्लीज इसका यूज हो सके तो ना करो। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा एरिया है, तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हो, बीच बीच में उसे बंद करते रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना सबके साथ, फैमिली फ्रेंड्स में, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, सब सोशल मीडिया साइट्स पर, बिकॉज ठंड बहुत ज्यादा है, लोग हीटर का यूज करते ही हैं और ज्यादातर ब्लोअर का यूज कर रहे हैं। प्लीज बार बार कहूंगी ब्लोअर का यूज मत करना, लेने जा रहे हो तो मत लेकर आना उसको, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जल्दी से मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सब्सक्राइब नहीं करा है तो, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाए। जल्दी से आऊंगी नए वीडियो को और लेके, और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, एक प्रोडक्ट रिव्यू लेकर आऊंगी आगे, तब तक के लिए बाय।